मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को विभिन्न पर्व और त्योहारों की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं और आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज दर्शकों को हम एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश भगवान की स्थापना होती है, परंतु इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। शास्त्र ये भी कहता है कि यदि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देखा गया तो मनुष्य कलंकित होता है, मनुष्य को अपयश का सामना करना पड़ता है और उस पर कोई ना कोई आरोप लगता है। क्या कारण है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, तो इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी अपने सिर पे हाथी के मुख को धारण किए हुए हैं, इसलिए इनको गजानन कहा जाता है। समस्त देवी देवताओं में सर्वप्रथम गजानन यानी गणपति की पूजा का विधान है। अपने माता पिता भगवान शिव जी और पार्वती की परिक्रमा सबसे पहले करने के कारण ये अग्र पूज्य हुए, यानी इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इनके गजमुख को देख करके चंद्रमा ने एक बार इनका मजाक उड़ाया था। सारे देवी देवता भगवान गणपति की पूजा के समर्थक थे, परंतु चंद्रमा अपनी सुंदरता पर अहंकार कर भगवान गणपति का उपहास उड़ाया था। चंद्रमा के द्वारा जब भगवान गणेश जी का मजाक उड़ाया गया तो भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा भगवान गणेश जी से माफी मांगा और चंद्रदेव ने भगवान गणेश जी से माफी मांग करके क्षमा करने की विनती की। भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को ये कहा कि मैंने श्राप तुम्हें दिया है, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूं कि तुम सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते रहोगे, परंतु इस तिथि को जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, इस तिथि में जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसे आरोप का शिकार होना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने चूंकि चंद्रमा को यह श्राप दिया था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और यदि धोखे से आप भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को देख लेते हैं तो चंद्रमा को देखने के बाद उसके निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे पुराणों में हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत रोचक कहानी है। इस कथा के अनुसार एक राजा सकराजित था, वो भगवान सूर्य देव का उपासक था। राजा सकराजित ने सूर्य देव की उपासना करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। सूर्य देव ने राजा सकराजित को एक सामंतक नामक मणि प्रदान की थी।
और ये मणि जो है ये प्रतिदिन कई टन सोना उगलती थी, यानी इस मणि में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि ये प्रतिदिन कई टन सोने का निर्माण करती थी। इस सामंतक नामक मणि से राजा सकराजित की संपूर्ण प्रजा काफी सुखी और समृद्धवान थी। राजा सकराजित की मणि को देख करके भगवान कृष्ण जी शायद इस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु सकराजित ने शायद मणि देने से इनकार किया। राजा सकराजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। एक बार प्रसेनजीत वन में विचरण करने गए और उस सामंतक मणि को अपने साथ में लेकर के गए। वन विचरण के दरमियान प्रसेनजीत को एक सिंह ने यानी शेर ने काफी क्षति पहुंचाई और प्रसेनजीत को मार डाला। राजा सकराजित के भाई प्रसेनजीत को मारने के बाद सिंह यानी बाघ ने उस मणि को लेकर के अपने राजा जामवंत को प्रदान किया। ये वही जामवंत है जिनका वर्णन हमें रामायण में भी प्राप्त होता है। सकराजित के पूरे साम्राज्य में ये खबर फैल गई कि शायद सकराजित के पास जो मणि थी उस मणि को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने सकराजित राजा के भाई प्रसेनजीत को मार डाला और मणि उन्होंने चोरी कर ली। शायद भगवान श्री कृष्ण ने भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का दर्शन किया होगा, इसलिए ये कलंक ये आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा कि मणि को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने सकराजित के भाई का वध कर दिया और मणि को प्राप्त कर लिया। जब ऐसे आरोप लगने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने को पाक साफ सिद्ध करने के उद्देश्य से मणि के संदर्भ में पता लगाया। तो जब वो वनों में गए तो उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत तो मृत पड़ा हुआ है और ये मणि जो है वो राजा जामवंत के पास है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा जामवंत से युद्ध करने का निर्णय लिया। 21 दिनों तक यह युद्ध निरंतर चलता रहा और जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को एक मुक्के से वार किया तो जामवंत को इस तथ्य का एहसास हुआ कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम के अवतार हैं। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास जब जामवंत को हुआ तो जामवंत ने ना केवल वो सामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को वापस कर दी बल्कि अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से किया। भगवान श्री कृष्ण सामंतक मणि को लेकर के राजा सकराजित के पास आए और उन्होंने ससम्मान राजा सकराजित को सामंतक मणि वापस कर दी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार साबित किया और राजा सकराजित ने जब वो मणि वापस प्राप्त की तो उन्होंने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया। ये कहानी है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और यदि धोखे से आपने दर्शन कर लिया तो सामंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए यानी सुनना चाहिए जिससे आपको किसी भी विवाद का सामना नहीं करना पड़े।
आने वाले समय में ऐसे ही पर्व त्योहारों से संबंधित रोचक कथाओं को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आप मेरे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।